स्टार्ट सर, स्टार्ट कर दें। हाय सलमान हाशमी के साथ फ्रेंजिक आई से आज हम आपको एक एपिसोड बताने लगे हैं कि हम गुलबर्ग ग्रीन गए हुए थे। करीब आ गए गुलबर्ग ग्रीन गए हुए थे तो वहाँ एक फ्रॉड हुआ है अरसलान नामी फ्रेंड्स एसोसिएशन का, तो वहाँ हमने पिक्चर्स खींची तो वहाँ के लोग आ गए गन्स लेके, और जिनका प्लाजा था उनका नाम था राजा सागर। राजा सागर आ गए, उसके बंदे आ गए, गनमैन आ गए सारे। उन्होंने कहा जी आप फ़ोन से ये डिलीट करें फ्रेंड्स की पिक्चर। तो मैंने कहा जी देखिए मेरे साथ अभी गेस्ट हैं तो काइंडली आप हमें थोड़ा टाइम दें, हम अपनी चाय पी लें। साथ ही क्वेटा होटल है, साथ ही हेड ऑफिस है गुलबर्ग ग्रीन का। तो अब हम स्टोरी करने आए हुए थे, हमने सिर्फ पिक्चर्स खींची। इन्होंने हमें कहा जी पिक्चर्स भी आप डिलीट करें। उसके बाद मैंने कहा जी आप आराम से बात करें। इन्होंने कहा आज हम आपको पैकेट में बंद करेंगे और आपको उठा के ले जाएंगे। तो उनके बंदे असले वाले सारे बंदे थे, वो मुझे उठा के नीचे ले गए, उन्होंने काफ़ी मारा। तो ये हमारे साथ दो गवाह हैं। तो सर बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का गवाह है कि हाय हमारे साथ चाय भी बैठी था, हम कावा पी रहा था। जो कावे के दौरान हमको, मेरा नाम अली रहमान है और मेरा बिलोंग पेशावर से, बेसिकली मैं खैबर से हूँ। इनके साथ दोस्ती है और इनके साथ आए थे मुलाकात की गपशप के लिए। अचानक हम गुलबर्ग सिटी में जाके दोस्त से मिलने गई, वो भी साथ कावे में बैठे था। इस दौरान कोई लड़के ने उसको बुलाया, तो सागर नाम है मेरे ख्याल में, सागर वो दाढ़ी वाला था, उसको बुलाया। उसके साथ रेसिंग शुरू हो गई। जब मैं उनके पास गई मैंने कहा क्या मसला है, कहते इसको हमने उठाना है, इसको हमने पिक करना है, इसको हमने अभी इस वक्त इनकी बस हमने इसको ख़त्म करना है। मैंने मसला किया है, उसने कहा इन्होंने हमारी बिल्डिंग की पिक्चर निकाली। मैंने कहा यार यहाँ हमने भी काफ़ी पिक्चर निकाले इस गुलबर्ग सिटी में, हम तो पूरे पाकिस्तान में घूमते पिक्चर निकालते, अगर कोई पिक्चर से मसला है तो बताएं हम इसको रिजॉल्व करेंगे। उसने कहा इसको डिलीट करें, मैं कहा डिलीट करूँगा। इस दौरान और लड़के जो कि एक वो ये गली कूची में नहीं होते वकार टाइप की हो या बदमाश टाइप की या नशे की हालत में ऐसी टाइप की हरकत थी, इस बेचारे को मार मार कर नीचे लेके गए, उठाए नीचे लेके गए गन पॉइंट पे, फिर उसके पिस्टॉल निकाली, कुछ उन्हें कुछ और हरकत करना है। तो बंदे इतने ज़्यादा हुए कि हम बात करने के लिए नहीं छोड़ते। मैंने कहा यार ये एक तरीका नहीं है बात करने का, हर बात मसले का हल बात है। फिर जो है ना इसको इतना मारा है कि मैं बता नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरे इलाके में होता या मेरे पास कुछ होता तो मैं अपना वो दिखा सकता, लेकिन हम मेहमान थे तो इतना इशू नहीं था। उसने कहा कि इन्होंने हमारे करप्शन को लोगों को दिखाया, हमारे बिल्डिंग के खिलाफ बयान दिए, हमारे रिजल्ट के खिलाफ भी किए, हमारे रिजल्ट से ये मसला बंद है, हमारे 500 लोग बेरोजगार होंगे। मेरे कहते का जो कुछ भी है, एक सहाफ़ी है अपना, एक फ्रांसिक आई के नाम से अपना एक अखबार चला रहे हैं, मैगजीन चला रहे हैं, बैठ के कहा निकाली। तब तक इसको नहीं चुरा था, जिसकी जो पिक्चर थी मैंने उनसे डिलीट करवाई इनकी मोबाइल से। इनको हमने जो कि एक रमाल था इनको लेके गए थे, उनको हमको वहाँ से कोई तरीके से निकाला और मिसर के साथ इधर आ गई है। तो इन्होंने कहा कि आप अगर वीडियो कर सकते हैं, मैं अल्लाह को गवाह कर दूँ कि जब क़यामत के दिन भी इस बात पे तो मैं कहूँगा, मैं आऊँगा अदालत में आऊँ, अगर कहाँ भी ज़रूरत पड़े तो इंशाल्लाह मैं आऊँगा, वही बात करूँगा जो मेरे सामने हुआ है। किया बहुत बुरा किया, उसके साथ तकरीबन 40-50 लोग थे, उसके पास गन भी थे और वो क्लाशनकोव भी थे, तो उसके साथ जबरदस्ती किया उसके साथ और वो बेसमेंट में ले गया उसको और उसको बहुत ज्यादा मार के हमने उसको बताया कि जो प्रॉब्लम है मुझे बताए, हम उसको समझाएंगे। तो उधर वो कह रहा था कि हमें ब्लैकमेलिंग कर रहा है, ये कर रहा है, करप्शन छुपा रहा है। तो हुकूमत को ये चाहिए कि इस पे एक्शन ले, क्योंकि अगर साहबी के साथ आज ये होता है तो कल और करप्शन के लोग इस तरह करेंगे। तो असल मसला ये है कि रियासत इतना कमजोर है कि इनके दरमियान लोग अपने आप को खुद गुंडे और बरबुकटी की निजाम चल रहा है पिंडी और इस्लामाबाद में। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरे मुल्क दिवालिया है, अपना अपना कानून है, अपना अपना चीज हर पास बंद है कि एक बंदे के पास 50-40 बंदे लोगों की आवाज दबा दे। तो ये वाजिह है कि साहबी की आवाज दबाने का मकसद ये है कि मैं हूँ, उनके अल्फाज भी थी, और उल्टा उन्होंने इस मुल्क की जो इदारे है इनको इसके ऊपर डाल दिया था कि आप आई बी को बदनाम कर रहे हैं। और आई एस आई इसलिए वो ये कह रहा था कि वो मुझे आई बी और आई एस आई भी इस गेम में सपोर्ट करे कि हम गलत नहीं है, लेकिन गलत नहीं है। अगर इसने गलत किया जाके इसको कोर्ट में चैलेंज करे तो कोर्ट में पता चला जाएगा। तो आपकी अपनी हुकूमत नहीं है, बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है।
नाम से उसने 10 अरब रुपए का मार्केट में फ्रॉड किया, गुलबर्ग ग्रीन का सारा बिजनेस तबाह हो गया उस लड़के की वजह से, और अब उसका जो प्लाजा था वो भी ट्रांसफर हो गया है मलक सागर के नाम। इन्होंने पहले कैंसिल किया वो प्लाजा, फिर कुरैशी जो है शुजातुल्ला कुरैशी उसने अरसलान का नाम काट के मलक सागर के नाम कर दिया। अब हम देखें, हम एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हूँ, मैं इंग्लैंड से पढ़ के आया हूँ, मेरा काम यही है कि फ्रॉड को आइडेंटिफाई करना, बाकी आगे अदारों का काम है। हम पे इस तरह का अटैक करके अब आप देखें इन्होंने क्या प्रूव किया। तो हमें बड़ा दुख हुआ है कि पाकिस्तान जो है अभी भी 1940s में है और ये कोई चेंज नहीं हुआ। तो बाकी हमारी रिक्वेस्ट है, डीसी इस्लामाबाद से, हमारी रिक्वेस्ट है एसी इस्लामाबाद से, हमारी रिक्वेस्ट है इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनाउल्ला से, हमारी रिक्वेस्ट है इंटीरियर सेक्रेटरी से, हमारी रिक्वेस्ट है इंटेलिजेंस एजेंसी से, हमारी रिक्वेस्ट है आईबी से कि आईबी का नाम लोग यूज़ करके लोग फ्रॉड कर रहे हैं और कह रहे हैं ये आईबी है, हालांकि गुलबर्ग ग्रीन आईबी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वहाँ इतनी बदमाशी हो रही है कि लोग खड़ के सामने कहते हैं हम तुम्हें गोलियां मार देंगे, हम तुम्हें मार देंगे अगर तुमने रिपोर्टिंग भी की, कोई खबर भी लगाई। तो अब देखें साफी इस पाकिस्तान के अंदर कितना इनसिक्योर है कि कोई भी गुंडा उठ के शुजातुल्ला कुरैशी को वो वीडियो बना रहा है मेरी और शुजातुल्ला कुरैशी को दिखा रहा है कि ये देखो मैंने इसके साथ क्या किया है। तो शुजातुल्ला कुरैशी, यू नो मी वेरी वेल, तुमने अपने लड़कों से बड़ी बदतमीजी कराई है, हम इंशाल्लाह ताला कानून का सहारा लेंगे और हम तुम्हारी तरह गुंडे नहीं हैं, हम पूरे कानून को फॉलो करेंगे और हमारे पास ये एविडेंस है, इतने लोग हैं उधर, हमारे साथ बहुत ज्यादती की है। बाकी ये फोरेंसिक आई किसी से नहीं डरती है, फोरेंसिक आई जहाँ भी फ्रॉड होगा वो आएगी, हम पूरे वर्ल्ड में रिपोर्टिंग करते हैं, कहीं हमारे साथ ये इवेंट नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान एक बहुत सैड है, ये अनपढ़ से लोग हैं, जाहिल लोग हैं जिनके पास पैसा आ गया, ना इन्हें बात करने की तमीज़ है ना उठने की तमीज़ है। तो ये हमारी सोसाइटी का अलमी है कि पैसा जो है ऐसे लोगों के पास है जो करप्ट हैं, जो गलत लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं। ठीक है, हमने नवाज शरीफ साहब, हमने इमरान खान के खिलाफ खबरें लगाई हैं, किसी ने हमारे साथ बदतमीजी नहीं की, तो ये पर्सनल हो गए हैं। तो आईबी सोसाइटी के अंदर गुलबर्ग ग्रीन में फ्रॉड हो रहा है और फ्रॉड में काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं एफआईए से, हम रिक्वेस्ट करते हैं आई इंटेलिजेंस ब्यूरो से, हम रिक्वेस्ट करते हैं इंटेलिजेंस एजेंसी से, हम रिक्वेस्ट करते हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री से, हम रिक्वेस्ट करते हैं इंटेलिजेंस अदारों से कि सर प्लीज़ मिलिट्री इंटेलिजेंस से, क्योंकि ये लोग तो थाना भी इन्होंने ख़रीद लिया पूरा, कुराल थाना भी इनके कंट्रोल में है, 40 लाख रुपया महीने का गुलबर्ग ग्रीन उनको देती है, तो थाना कैसे एक रिपोर्ट मेरे खिलाफ लेगा। तो हमारी रिक्वेस्ट है राणा सनाउल्ला से कि सर देखें साफियों पे जुल्म ना करें, साफी वही है जो हक सच लिखता है, ठीक है, उसको किसी से कोई गर्ज नहीं है। बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद, फोरेंसिक आई जिंदाबाद, गॉड ब्लेस यू।